नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसको लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। जगाधरी विधानसभा के प्रताप नगर में इसी उपलक्ष में आर्य समाज मंदिर में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस हवन यज्ञ में हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की सफलता के लिए विश्व कल्याण, देश की सुख समृद्धि, राष्ट्र की उन्नति की कामना करते हुए हवन यज्ञ में आहुति डाली। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि देश की जनता के प्यार और समर्थन से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उसी उपलक्ष में आज हवन यज्ञ का आयोजन किया गया और हमने परमात्मा से कामना की है कि उनकी जो विकसित भारत बनाने की सोच है उसको पूरा करने की शक्ति प्रधानमंत्री को दे और भारत दुनिया का सिरमौर बने। जिस तरह पिछले 10 सालों में भारत का नाम पूरी दुनिया में चमका है, उसी तरह इस कार्यकाल में भी देश उन्नति के रास्ते पर चले और विकास को एक नई रफ्तार मिले। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बड़े हर्ष का विषय है, पूरा देश नरेंद्र मोदी से प्यार करता है और सभी की यही इच्छा थी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार देश का नेतृत्व करें। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और उसके उपलक्ष में आज ये यहाँ पर जिस प्रकार से यज्ञ व्यवस्था की गई है और एक शुभ आशीर्वाद आप सबने परमात्मा से प्रार्थना की है कि प्रधानमंत्री जी को इतनी शक्ति दें कि वो इस देश को दुनिया का नंबर वन बनाने की जैसी उनकी सोच है उसको पूरा करने की शक्ति प्रधानमंत्री जी को दें और हम दुनिया के सिरमौर जिस प्रकार से पहले थे उसी प्रकार से भारत दुनिया का सिरमौर बने। तो इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और प्रधानमंत्री जी के लिए हम सब की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो अपने लक्ष्य को आर्य समाज जो है वो हमारी जो पुरानी पद्धति है, प्राचीन पद्धति है, जो हमारे ऋषि मुनियों की पद्धति है, जो वेद की पद्धति है, उसका ही प्रचार प्रसार आर्य समाज करता है और समय समय पर जब भी जहाँ भी हमारे सहयोग की जरूरत रहेगी तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि हम आपके साथ हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।